लॉकडाउन व कर्फ्यू लागू किए जाने से मजदूर और गरीब तबके के लोगों के आगे दो वक्त की रोटी का संकट पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर के आसपास क्षेत्रों में आए दिन मेहनत मजदूरी कर काम करने वाले, रात को चूल्हा जलाने वाले मजदूर तबका अब परेशान हो चुका है। अब इन लोगों को कर्फ्यू व लॉकडाउन मुसीबत बनता नजर आ रहा है। उन्हें घरों तथा जहां हैं वहीं रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में ना तो वे काम कर पा रहे हैं और ना ही उनके पास खाने का भोजन की व्यवस्था है। जो जेब में पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। वैसे सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से हर भूखे को अनाज व भोजन राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन सरकारी प्रयास जवाबदेही न होने के कारण लोगों को भूखे रहने की नौबत आ रही है। एक बार हालांकि राशन अधिकतर जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया गया है, उसके बाद अब सहायता करने वाला कोई नहीं है। बेबस लोग सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजू है, हम शिमला से आए हैं, हम रामपुर नोगली में रहते हैं। हमारे को यहाँ पे पुलिस वालों ने एक ही बार राशन दिया एक महीने में, वो भी मार्च की 29 तारीख को। आज तक हमारे को 24 अप्रैल हो गया लेकिन राशन नहीं मिला हुआ है। तो आपने फोन नहीं किया? फोन किया सर, हमारे को नंबर देते हैं लेकिन हमारे को राशन नहीं लाते, रोज नया नंबर देते हैं। कितनी बार ऐसे हुआ राशन? सर एक महीना हो गया, 29 तारीख को एक महीना हो जाएगा सर राशन मिलके और नंबर दे रहे हैं। मेरा नाम सोनिया है, हम सुन्नी से कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन की वजह से हम यहीं पे फंस के रह गए। और हमारे को 7 अप्रैल को हमें राशन मिला था, उसके बाद हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। राशन वालों को फोन भी करते हैं, वो भी नहीं हमारी बात सुनते, वो भी बोलते कभी आ जाएंगे कभी कल आएंगे। आप देख सकते हैं हमारे घर में कोई राशन नहीं है। जो बच्चों को दूध या सब्जी के लिए 100-200 रुपए हमने रखे हुए थे, उसके हमने राशन ला के एक टाइम खाना खा रहे हैं। हमारे इतने बच्चे हैं, हमने उनका कहाँ से पूरा करना है। हम साथ राम है जी, गरीब आदमी घूम फिर के खाते हैं, गाँव में जाने देते लोग पत्थर मारते हमारे को, और राशन पानी से भूखे। 8 तारीख पहले दिए गए थे, 5-5 किलो राशन दिया, उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं चला। 4-4 आदमी खाने वाले जी है, अब भूखे प्यासे मर रहे, हमारे को कोई सहायता नहीं। बोल गई थी सरकार के हम देंगे और दिया नहीं सरकार ने, वही दिया 8 तारीख को, उसके बाद नहीं आए। अरे हमारा, हम तो कहीं घूरे घूमने फिरने भी नहीं जाने देते, दुकानों में पैसा नहीं, जेब में दुकानों से खरीद के खा लें, यही हमारी आ गया मालिक।